यूपी के संभल में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गरीब और बेघरों के लिए बनाए गए आश्रय गृह पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। इन आश्रय गृहों में आम जनता के अलावा सरकारी विभाग के कर्मचारी भी लंबे समय से रह रहे हैं। पूरा मामला एसडीएम के छापे में सामने आया। फिलहाल एसडीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही की बात कही है। बताते चले कि संभल तहसील क्षेत्र में नगर पालिका प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 51 शहरी बेघरों के लिए आश्रय गृह बनाए गए हैं, जिसे लखनऊ से संचालित एनजीओ करती है। हालांकि ये आश्रय गृह बेघरों के लिए बनाए गए थे, लेकिन इनका इस्तेमाल आम जनता के अलावा सरकारी विभाग डूडा के कर्मचारी खुले तौर पर कर रहे हैं। आरोप है कि यहाँ एनजीओ संचालक की सांठगांठ से लोगों को अवैध कब्जे करा दिए गए हैं, जो काफी समय से यहाँ रह रहे हैं। मामला एसडीएम संभल दीपेंद्र यादव के संज्ञान में आया तो उन्होंने एकाएक छापा मार दिया, जहां मामला सही पाया गया। यहां कई परिवार काफी समय से रहते पाए गए हैं। फिलहाल एसडीएम ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को निर्देशित करते हुए नोटिस जारी करने के आदेश के साथ कार्यवाही की बात कही है। आपको पायल किस पोस्ट में आप यहाँ? मैं यहाँ के देखभाल करती हूँ। देखभाल करती हैं? ये गद्दे वद्दे नहीं है, पलंग गायब है, क्या मामला है? पलंग नीचे कमरों में है। जी कहाँ गए पलंग? ये सर पलंग रूम में डबल डबल ले रखे हैं लोगों ने। किन लोगों ने? फैमिली रह कर रही है। एक फैमिली रह रही है 3 महीने से ये? जी। तो 3 महीने तक है? 3 महीने तक रह सकती है जी? ये तो मैडम को पता है, हमें तो क्या कहते हैं, मैडम ने बोला था कि ये फैमिली खाली हो जाएंगे, वो अभी तक आए नहीं है, चले गए खाली करने के लिए बोला था, तो 1-2 दिन में कह रहे हैं खाली करने के लिए। उनको क्या था जैसा, क्या मिला? ये नियमित निरीक्षण के क्रम में इसका निरीक्षण किया हमें, क्योंकि जाड़े आने वाले हैं, तो शेल्टर होम की क्या व्यवस्था है उसको देखने के लिए निरीक्षण किया गया है। और यहाँ देखने के बाद कुछ अनियमितताएँ प्रकाश में आई हैं, इसको दूर कराने के लिए शासकीय सरकारी नगर पालिका परिषद संभल को निर्देशित कर दिया गया है। चूँकि यह एक एनजीओ द्वारा संचालित किया जा रहा है इसका प्रबंधन, और समझौता इनका नगर पालिका के द्वारा हुआ है, नगर पालिका और एनजीओ के बीच में, और नगर पालिका के फंड से ही उनको भुगतान किया जाता है। तो शासकीय अधिकारी महोदय को निर्देशित कर दिया गया है कि उनको एक नोटिस जारी करें और जो अनियमितताएँ हैं उसके बारे में उनको बताएं, और आवश्यक समझें तो उनका अनुबंध पत्र निरस्त करके किसी दूसरे का अनुबंध किया जाए। मुख्य तौर पर जैसे क्या क्या अनियमितताएं जो हैं? जैसे कुछ परिवार यहाँ काफ़ी दिन से रह रहे हैं, 1 महीने और 2 महीने से रहते हुए बताए गए हैं, इसके बारे में उचित स्पष्टीकरण ये लोग नहीं दे पाए हैं। और तीसरे मंजिल पर भी एक परिवार रह रहा है, इसके बारे में भी बताया जा रहा है कि लंबे समय से वो लोग रह रहे हैं, तो उचित स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं कि ये वास्तव में बेघर लोग हैं उनको है, या फिर इनके जान पहचान परिचित कौन से लोग हैं।